यूपी के चार दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शाम 5 बजे बाबा साहब आंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46,164 नए केस सामने आए हैं। 607 लोगों की मौत, 34,159 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग। मीटिंग में कई राजनीतिक दलों ने लिया हिस्सा। सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति, भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर विमान 35 नागरिकों को लेकर पहुंचा हिंडन एयरपोर्ट। अफगानिस्तान से लाए गए 24 भारतीय, 11 नेपाली नागरिकों को भी हिंडन एयरपोर्ट पर लाया गया। सीएम योगी ने लिए बड़े फैसले, कल्याण सिंह के नाम पर होगा लखनऊ में कैंसर संस्थान का नाम। आगरा शराब कांड पर स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। बिजली बिल में ओवर बिलिंग की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के भी निर्देश। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश, रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू पर दे जोर। यूपी में 1 अक्टूबर से धान की होगी खरीद, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से खरीदी जाए धान। लखनऊ के केजीएमयू के 2000 डॉक्टर और कर्मचारियों में कराई गई एंटीबॉडी जांच। यूपी के सभी थानों में होगी महिला बीट अफसरों की नियुक्ति, महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए डीजीपी की पहल। यूपी बीजेपी ने सपा पर कसा तंज, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि न देने पर साधा निशाना। ट्वीट के जरिए प्रियंका का सरकार पर निशाना, कहा किसानों के गन्ने के दाम को लेकर सरकार को घेरा। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की समस्या। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से भेजे गए सभी 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कैदियों की रिहाई को लेकर बड़ा आदेश, 10 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद कैदी होंगे रिहा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने व्यापारियों के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया आश्वासन, कहा मनमाने तरीके से व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी पुलिस। मथुरा के कोह गांव में नहीं थम रही मौतें, अज्ञात बीमारी से पिछले 10 दिनों में अब तक 8 बच्चों की हो चुकी है मौत। कानपुर में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में डबल डेकर बस पलटी, हादसे में 7 साल की बच्ची और 1 महिला की मौत, कई लोग घायल हुए। झांसी में 12 साल की बच्ची का घर में शव मिलने से हड़कंप, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। गाजियाबाद में युवक पर टूट पड़े एक साथ कई दबंग, सड़क पर घसीट घसीट कर युवक को मारा गया। बिहार के सहरसा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ, दबंगई दिखाते हुए बार बाला को पहनाया चश्मा, फिर हाथ में दिया पिस्टल। मऊ में पुलिस ने किया अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। गोरखपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में घुसा पानी, घुटने से ऊपर पानी की वजह से लोग हुए परेशान। पीलीभीत में लगातार कटान कर रही शारदा नदी, निचले इलाकों की सैकड़ों एकड़ फसल अब तक जलमग्न हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में नदियां उफान पर है, राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर है।